तो वही मैं आपको बताती थी कि ये हाइपेंथोडियम में क्या होता है, रिलेशनशिप होता है कि इंसेक्ट को शेल्टर मिल रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, वो अपने एग को डेवलप कर पा रहा है, एग डेवलप होके उसमें से लार्वा आ पा रहा है, और लेटर स्टेज में यानी लार्वा को फूड अवेलेबल हो। तो दिस इज अबाउट द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, और दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरोसेंस, एंड दिस इन्फ्लोरोसेंस इज कॉल्ड एज हाइपेंथोडियम। और ये पॉलिनेट किससे हो रहे हैं बेटा, दे आर ऑल्सो पॉलिनेटेड बाय द इंसेक्ट यानी एंटेमोफिलस फ्लावर। तो खैर हम बात कर रहे थे कि क्या अडेप्टिव फीचर होता है, तो उसके अंदर अगर प्रेजेंस ऑफ नेक्टर, नेक्टर किस लिए, बिकॉज इन द फॉर्म ऑफ नेक्टर दे आर प्रोवाइडिंग रिवॉर्ड। रिवॉर्ड मतलब कि मैम इंसेक्ट को वो लोग रिवॉर्ड प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बेटा प्रेजेंस ऑफ नेक्टर, नेक्टर क्या कर रहा है, नेक्टर इज मींस द फ्लावर इज प्रोवाइडिंग, एक्चुअली नेक्टर कहीं पे भी पॉलिनेशन में खुद यूटिलाइज नहीं होता, वो तो इसलिए बनता है फ्लावर के अंदर सो दैट द फ्लावर कैन गिव द रिवॉर्ड टू द पॉलिनेटिंग एजेंट्स, कि पॉलिनेटिंग एजेंट्स को वो रिवॉर्ड दे सके, क्योंकि ये तो एक म्यूचुअल रिलेशनशिप है कि आपने अगर मेरा काम किया है तो मैं आपको कुछ ना कुछ दूंगी, अगर आप मेरा काम नहीं करोगे तो यू विल नॉट गेट एनीथिंग। तो फ्लावर को ये जो पॉलिनेट करके जाते हैं तो फ्लावर उन्हें नेक्टर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ रिवॉर्ड। ओके, तो सेकेंड इज द प्रेजेंस ऑफ नेक्टर। उसके बाद में इंसेक्ट से पॉलिनेटेड फ्लावर प्रोड्यूस अबंडेंट पोलन, और वो भी कैसे वाले बेटा, एडिबल। एडिबल मतलब विच कैन बी ईटन, बिकॉज इंसेक्ट फीड ऑन द पोलन ग्रेन ऑल्सो, वो अपना हनी बनाने के लिए दे फीड ऑन द पोलन ग्रेन, बिकॉज पोलन ग्रेन इज द रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो इसलिए वो पोलन ग्रेन अबंडेंट बनाते हैं कि मोस्ट ऑफ द पोलन ग्रेन तो क्या हो गए, फूड की तरह यूज हो गए, इंसेक्ट ने यूज कर लिया, और सम ऑफ द पोलन ग्रेन फिर भी बहुत सारे बचते हैं, दे जस्ट हेल्प इन द पॉलिनेशन। तो ये बेटे कैरेक्टरिस्टिक फीचर आ जाते हैं एंटेमोफिलस फ्लावर्स के। तो सिंपली ये अडेप्टिव फीचर अगर प्रेजेंट है, लेकिन बेटा इन फ्लावर्स में भी, दो इट इज नॉट इन योर बुक, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल बताती हूँ, कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जो डिसीट कर देते हैं। डिसीट किसको कर देते हैं, पॉलिनेटिंग एजेंट को, धोखा दे देते हैं। और इसी तरह से कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जो पोलन ग्रेन भी खा जाते हैं, नेक्टर भी खा जाते हैं, और रिटर्न में पॉलिनेशन भी नहीं करते। तो अगर कोई इंसेक्ट जो पोलन ग्रेन भी खा गया और नेक्टर भी पे भी फीड कर दिया और उसको पॉलिनेट नहीं करा, दे आर कॉल्ड एज पोलन रॉबर्स। वो क्या कहलाएंगे बेटा, पोलन रॉबर्स कहलाते, यानी पोलन ग्रेन को रॉब कर लिया, रॉब मतलब कि चोरी कर लिया। और ऐसे ही एक प्लांट होता है बेटा मेडिटेरेनियन ओफायरस, मेडिटेरेनियन रीजन में प्रेजेंट होता है, वो इंसेक्ट को डिसीट करता है, इंसेक्ट को धोखा देता है। कैसे धोखा देता है, उसकी एक जो पेटल होती है, वन ऑफ द पेटल का स्ट्रक्चर जो होता है वो बिल्कुल इस तरह का स्ट्रक्चर होता है कि इट अपीयर्स लाइक द एब्डोमन ऑफ द ओफायरस, यानी फीमेल के एब्डोमन, फीमेल इंसेक्ट के एब्डोमन के जैसा एब्डोमन होता है। अब वो एब्डोमन फीमेल का एब्डोमन है, मेल फ्लावर जो, मेल इंसेक्ट जो होता है, ध्यान से सुनना बेटा, दो ये आपके सिलेबस में नहीं है फिर भी ध्यान से सुन लेना, मेल जो होता है ओफायरस, नहीं सॉरी मेल वैस्प, मेल बम्बल बी या मेल बी, सिंपली मेल बी जो होता है उसका बर्थ पहले हो जाता है, बर्थ पहले हो जाता है, यानी कि वो लार्वा से एडल्ट में पहले कन्वर्ट हो जाता है, बाद में फीमेल कन्वर्ट होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें मेल मैच्योर अर्लियर देन द फीमेल। अब जैसे ही मेल मैच्योर होता है तो इनके अंदर दे जस्ट मूव इन सर्च ऑफ द फीमेल फॉर मेटिंग। अब वो मेटिंग के सर्च में जाता है तो उसको ये ओफायरस फ्लावर जो है उसकी पेटल
बिल्कुल फीमेल के एब्डोमेन के जैसी दिखाई देती है, तो इट परसीव द पेटल एज अ फीमेल एब्डोमेन, उसको लगता है कि ये फीमेल ही बैठी हुई है, एंड देन इट वांट टू डू द मेटिंग, यानी उसके साथ में इन कॉपुलेट करने की कोशिश करता है। ड्यूरिंग कॉपुलेशन इट डू द पॉलिनेशन, तो वो पॉलिनेट कर देता है। तो ये आता नहीं है, तो इसमें फ्लावर, अब ये तो फ्लावर का पेटल है, फ्लावर का पॉलिनेशन हो गया, और यहाँ पे इंसेक्ट को कुछ भी रिसीव नहीं हुआ, पोलन ग्रेन भी नहीं खा रहे और मेटिंग भी नहीं हो पाई, तो दैट इज कॉल्ड अ सेक्सुअल डिसीट। तो मेडिटेरेनियन ओफायरस, OPHYRUS, ओफायरस जो है वो शो करता है बेटा सेक्सुअल डिसीट। तो ये कभी भी आते नहीं है, ना तो पोलन रोबर्स का आता क्वेश्चन, ना सेक्सुअल डिसीट का आता। तो ये हो गया बेटा इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स के अडेप्टिव फीचर। Now we come on to the next feature of the flower, which are pollinated by wind. अगर wind से pollinate होना है तो क्या features present होनी चाहिए? तो हम देखेंगे कि adaptive feature in plants pollinated by wind. अब बेटा wind क्या है? एबायोटिक एजेंट, ठीक है। विंड किसी भी डायरेक्शन में फ्लो कर सकती है ना, इट कैन फ्लो इन एनी डायरेक्शन। इट विंड ये डिसाइड नहीं करती कि अच्छा इधर बहुत सारे फ्लावर्स है मुझे इस डायरेक्शन में जाना चाहिए, या इस साइड फीमेल फ्लावर्स है मुझे इस डायरेक्शन में फ्लो करना चाहिए। नो, विंड तो एक फिजिकल फिनोमिना है, किसी भी डायरेक्शन में फ्लो कर सकती है। तो विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स के फ्लावर्स का क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? तो सबसे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर, क्योंकि विंड कोई बायोटिक एजेंट नहीं है, वो कोई भी उसको ब्राइटली कलर्ड फ्लावर की जरूरत नहीं है, तो सिंपल चीज आ गई कि विंड पॉलिनेटेड प्लांट जो होते हैं डोंट हैव ब्राइटली कलर्ड पेटल, यानी ब्राइटली कलर्ड पेटल एब्सेंट है, उनके पास ब्राइटली कलर्ड पेटल नहीं। सेकेंड, विंड पॉलिनेटेड फ्लावर ऑलवेज प्रेजेंट इन बंच टू एनहांस द चांसेस ऑफ पॉलिनेशन, वो हरदम ग्रुप में प्रेजेंट होंगे, क्योंकि ग्रुप होगा तो बड़ा साइज होगा और पोलन ग्रेन आके स्टिक होने के चांसेस ज्यादा है। आप लोगों ने यूजुअली देखा होगा, अभी तो मौसम भी है बेटा, कॉर्न मक्का का भुट्टा, कॉर्न कॉब यानी मक्का, या जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में भुट्टा कह देते हैं, वो क्या है बेटा? इस तरह का स्ट्रक्चर होता है और इसके बाहर ऐसे थ्रेड लाइक है ना स्ट्रक्चर होते हैं, ऐसा लगता है जैसे सिल्क के थ्रेड है इस तरह के। एक्चुअली ये भुट्टा जो है हम खाते हैं, वो तो हम उसके सीड्स खा रहे हैं यानी फ्रूट खा रहे हैं। जब ये अर्ली स्टेज में होता है यानी पॉलिनेशन नहीं हुआ होता, तो ये एक तरह का फीमेल इन्फ्लोरोसेंस है, यानी इसके अंदर ये सारे जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहे हैं, सिल्की हेयर लाइक स्ट्रक्चर, दे आर द पार्ट ऑफ द फीमेल फ्लावर्स। जितने ये होंगे उतने ही इनके अंदर फीमेल फ्लावर्स है, यानी द नंबर ऑफ द थ्रेड, ईच थ्रेड विल रिप्रेजेंट वन स्टाइल, हम कहते हैं ना स्टाइल, ये वाला पार्ट इसमें अंदर है, ये वाला पार्ट जो है वो अपने थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाया है, और ये इसके बहुत छोटा सा टिप होती है जो स्टिक में होती है। तो दीज This is a bunch of the female flower. ये क्या हो गया? Bunch of female flower. जो maize होता है बेटा, उसके tip पर यहाँ पे present होते हैं male flowers. और दोनों ही, ये भी unisexual है, ये भी unisexual है, और आपको एक terminology याद रखनी है बेटा,
when the unisexual flowers are present on the same mother plant. When the male and female unisexual flowers are present on same mother plant, then this condition is called as monoecious. इस कंडीशन को क्या कहा जाता है? मोनेशियस. कि मेल और फीमेल दोनों, ये मेज में भी इसका एग्जांपल है. अनादर एग्जांपल है कुकुरबिटा, यानी घिया तोरी टिंडे जो आते हैं वो कुकुरबिटा फैमिली को होती है. तो दैट आर कॉल्ड एज द मोनेशियस प्लांट. तो अगर मोनेशियस प्लांट है तो मेल फ्लावर्स ऊपर फीमेल फ्लावर नीचे, जिससे कि पोलन ग्रेन जब रिलीज हो रहे हैं तो हवा के साथ या फिर ड्यू टू द ग्रेविटी वो आ रहे हैं, तो दे आर कमिंग कॉन्टेक्ट विद द स्टिंग. तो सेकेंड हुआ ऑलवेज प्रेजेंट इन द बंच. थर्ड फीचर जो हमने ये देखा कि इनकी स्टाइल क्या है बेटा, बहुत लंबी, तो दे हैव लॉन्ग स्टाइल. स्टाइल लंबी होगी बेटा, सो दैट दे कैन कैच द पोलन, वो पोलन ग्रेन को कैच कर सकते हैं. नेक्स्ट चीज ध्यान देना बेटा, पोलन ग्रेन जो होते हैं, अगर पूछा जाए कि व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ पोलन ग्रेन, तो पोलन ग्रेन इन द इंसेक्ट सॉरी इन द विंड पॉलिनेटेड फ्लावर आर लाइट इन वेट, बहुत हल्के होते हैं बेटा, सो दैट दे कैन मूव अवे विद द विंड. नहीं तो हैवी होंगे तो दे जस्ट फॉल डाउन. दूसरा चीज बेटा, दे आर नॉन स्टिकी, वो स्टिकी नहीं होते. इंसेक्ट पॉलिनेटेड पोलन ग्रेन आर स्टिकी, दे आर नॉन स्टिकी. ठीक है, जबकि इनकी जो स्टाइल होती है, इनकी स्टिग्मा, तो नेक्स्ट अपन फिफ्थ पॉइंट लेते हैं. द स्टिग्मा इज स्टिकी. एक तो स्टिग्मा स्टिकी होती है बेटा, सो दैट अगर स्टिग्मा स्टिकी है, सपोज ये स्टिग्मा है और ये पोलन ग्रेन है एंड दे आर मूविंग विद द विंड, थोड़ा सा भी कॉन्टेक्ट में आए तो दे गेट स्टिक विद द स्टिक. दूसरी चीज भाई, एक ही स्टिग्मा हो तो यहां से निकल जाए इधर से निकल जाए, तो उसके लिए इनकी स्टिग्मा फेदरी होती है. तो सेकेंड फर्स्ट इज स्टिग्मा इज स्टिकी और दूसरा स्टिग्मा इज फेदरी. यानी अगर ये स्टाइल है तो इसपे छोटे 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 से ये ऐसे अगर निकला है तो इसपे छोटे छोटे फेदर्स लाइक स्ट्रक्चर पर है, जो चांसेस ऑफ पॉलिनेशन को एनहांस कर देते हैं. ठीक है, तो स्टिग्मा फेदरी हो गई और स्टिकी हो गई. पोलन के नॉन स्टिकी है, लाइट इन वेट है. फ्लावर्स जो है वो बंच में प्रेजेंट है. स्टाइल का साइज जो है वो बहुत लंबा हो जाता है. एंड लास्ट वन, द पोलन्स आर सॉरी एंथर आर वेल एक्सपोज्ड. यानी एंथर जो होते हैं वो फ्लावर के बाहर निकले हुए रहते हैं. जब फ्लावर के बाहर निकले हुए होते हैं तो हवा चलती है तो पोलन ग्रेन उसमें से इजीली ट्रांसफर हो जाती है. तो दीज आर द अडेप्टिव फीचर्स प्रेजेंट इन द फ्लावर विच आर पॉलिनेटेड बाय विंड. विंड पॉलिनेटेड फ्लावर के अडेप्टिव फीचर है. क्वेश्चन कैसे बन सकता है, क्वेश्चन कैसे आ सकता है? क्वेश्चन दो तरीके से आते हैं बेटा, ध्यान देना. बच्चे यूजुअली गलती कर जाते हैं. अगर ये आता है, पहला चीज तो ये आ सकता है, व्हाट इज द अडेप्टिव फीचर प्रेजेंट इन द फ्लावर पॉलिनेटेड बाय द विंड. तो फ्लावर का अगर पूछा है ना, तो आपको फ्लावर के बारे में बताना है कि स्टाइल ये है, पोलन ग्रेन लाइट और नॉन स्टिकी है, स्टिग्मा स्टिकी और फेदरी है, एंथर वेल एक्सपोज्ड है, दे आर प्रेजेंट इन द बंच और ब्राइटली कलर. ये सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर आने फ्लावर. लेकिन कभी कभी क्या पूछ लिया जाता है, व्हाट इज द अडेप्टिव फीचर प्रेजेंट इन द पोलन ग्रेन इफ दे आर पॉलिनेटेड बाय द विंड. तो अगर पोलन ग्रेन का आए विंड पॉलिनेटेड का, तो ऑप्शन में ये दे सकते हैं, दे हैव लॉन्ग स्टाइल, है ना,
डोंट हैव ब्राइटली कलर्ड, नेक्टर आर एब्सेंट. नहीं बेटा, अगर उन्होंने एंथर का पूछा है तो आपको सिर्फ एंथर का बताना है कि एंथर आर वेल एक्सपोज्ड और उनके पोलन ग्रेन्स आर लाइट इन वेट एंड दे आर नॉन स्टिक. इफ दे जस्ट आस्क व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द स्टिग्मा या व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द पिस्टल, तो पिस्टल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होगा कि दे हैव द लॉन्ग स्टाइल, इनके स्टाइल का साइज लंबा होता है. और स्टिग्मा जो होती है वो कैसी होती है बेटा, स्टिकी एंड इट इज फेदरी. तो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है उस पर ध्यान दो बच्चे, ये नहीं कि जैसे आया तो सब एक ही चीज में हाँकना है कि चलो विंड पॉलिनेटेड वर्ड है. नहीं, विंड पॉलिनेटेड में भी स्पेसिफिकली किसके लिए पूछा. तो ये हो गया बेटा अडेप्टिव फीचर इन द विंड पॉलिनेटेड प्लांट. अब जो हम आपको करने हैं अडेप्टिव फीचर वो करने हैं इफ द फ्लावर और इफ इट इज पॉलिनेटेड बाय वाटर. अब वाटर इज ऑल्सो एबायोटिक एजेंट. वाटर भी क्या है बेटा, एक एबायोटिक एजेंट है. यानी अब इसमें भी वो तो कॉमन ही हो जाएगा. क्या कॉमन हो जाएगा, पहली चीज फ्लावर्स ब्राइटली कलर्ड नहीं होंगे, दूसरी चीज उनमें नेक्टर्स प्रेजेंट नहीं होगा क्योंकि नेक्टर की जरूरत ही नहीं है. वाटर थोड़ी कहता है कि मुझे नेक्टर दो एज अ रिवॉर्ड, नहीं. तो नेक्टर प्रेजेंट नहीं होंगे पॉलिन और वो ब्राइटली कलर्ड नहीं. तो अब क्या फीचर है. और एक और चीज बेटा ध्यान से सुनना, एक्वेटिक प्लांट, सारे एक्वेटिक प्लांट आर नॉट पॉलिनेटेड बाय वाटर. ध्यान सुनना, ये क्वेश्चन आ सकता है और हो सकता है कि आ भी जाए कि जितने भी एक्वेटिक प्लांट्स हैं वो जरूरी नहीं है कि दे आर पॉलिनेटेड बाय वाटर. एग्जाम्पल एग्जाम्पल आप ले लो लोटस, वाटर लिली, वाटर हाइसिंथ, जिसको हम आइशॉर्निया कहते हैं, टेरर ऑफ बंगाल, बताया था मैंने बहुत पिकनिक में. ये सारे फ्लावर्स ये सारे प्लांट एक्वेटिक हैं, लिव इन द वाटर, बट दे ऑल आर पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट. तो ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं बेटा कि विच ऑफ द फ्लावर इज पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट या विच ऑफ द एक्वेटिक प्लांट इज पॉलिनेटेड बाय वाटर. और उसमें ये सब देखे और एक और ऑप्शन दे देते हैं, वेलिसनेरिया, हाइड्रिला और फिर लिख देते हैं ऑल ऑफ देम. बच्चे फटाफट लिख देते हैं ऑल ऑफ देम क्योंकि ये सारे एक्वेटिक, नहीं जरूरी नहीं है कि सारे एक्वेटिक प्लांट वाटर से ही पॉलिनेट हो, दे कैन बी पॉलिनेटेड बाय द इंसेक्ट ऑल्सो. आपको पता है लोटस का आपने देख रखी होगी फ्लावर, वाटर लिली भी देख रखा होगा, आइशॉर्निया का भी डायग्राम में देख रखा है. इनके फ्लावर्स ब्राइटली कलर्ड होते हैं, इनके पास नेक्टर प्रेजेंट होती है, इनके पास फ्रेग्रेंस. एक चीज में बताना भूल गई थी, इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स है फ्रेग्रेंस, इनके पास भी फ्रेग्रेंस होती है. तो यहाँ हम बात कर रहे हैं केवल वो एक्वेटिक प्लांट्स विच आर पॉलिनेटेड ओनली बाय वाटर, उनके अंदर क्या फीचर्स प्रेजेंट. ओके, तो सबसे फर्स्ट फीचर बेटा कि उनके पोलन ग्रेन जो है वो अगर वाटर में रिलीज हुए तो देन पानी के कांटेक्ट में आने से वो वेट हो जाएंगे. और कोई भी चीज अगर वेट हो जाती है तो इट बिकम्स हैवियर, हैवियर हो जाती है तो इट गोस डाउन, तो फिर पॉलिनेशन होने के चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं. तो सबसे फर्स्ट चीज है कि इनके जो पोलन ग्रेन होते हैं आर कवर्ड विथ म्यूसिलेज. किससे कवर्ड रहते हैं बेटा, म्यूसिलेज से कवर्ड रहते हैं. जब म्यूसिलेज से कवर्ड रहते हैं तो डोंट गेट वेट, गीले नहीं होंगे, गीले नहीं होंगे तो नेचुरली वो सिंक नहीं करेंगे, दे विल फ्लोट, फ्लोट विद द वॉटर करेंट, और वॉटर करंट से फ्लोट करते हैं एंड देन दे कम इन कॉन्टेक्ट विद द स्टिग्मा एंड डू द पॉलिनेशन. अब
और क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? तो उसका दूसरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि आइदर द फीमेल फ्लावर, जो फीमेल फ्लावर होता है वो अंडर वाटर इमर्ज होता है, अंडर वाटर इमर्ज होता है। जैसे मैं एग्जांपल ले लू वेनेसुएला का, यहाँ पे फीमेल फ्लावर इमर्ज हुआ, लेकिन ये फीमेल फ्लावर का स्टॉक लॉन्ग हो जाएगा एंड इट कम्स ऑन टू द सरफेस ऑफ द वॉटर। तो इनकी लॉन्ग स्टॉक होती है जिसकी वजह से ये सरफेस ऑफ द वॉटर पर आ जाएंगे, फीमेल फ्लावर्स की बात कर रही हूँ, और ये अपना स्टिग्मा इस तरह से बाहर निकाल देंगे। यहाँ से जो पोलन ग्रेन रिलीज हुए वो पोलन ग्रेन फ्लोट करते हुए जाएंगे, व्हेन दे कम इन कॉन्टेक्ट विथ इट दे विल पॉलिनेट। तो फीमेल फ्लावर दो इमर्ज फ्रॉम द अंडर वाटर बट हैव लॉन्ग स्टॉक, ठीक है, और इनकी स्टिग्मा भी क्या करती है, उसको स्टिक कर लेती है। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर। ब्राइटली कलर्ड नहीं होंगे, नेक्टर एब्सेंट होगा, फ्रेग्रेंस एब्सेंट होगी। ओनली थिंग इज दैट पोलन ग्रेन आर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज अमाउंट बिकॉज इट इज अ चांस क्रॉप। तो ये बेटा हो जाते हैं कि हाउ द फ्लावर्स आर अडेप्टेड देमसेल्व्स फॉर पॉलिनेशन।